हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हमारा जो थीम है, जैसे हमने पहले बात कर रखा था, हम लोगों ने लाइव डिस्कशन भी कर रखा है मीटिंग के अंदर, तो आप सभी जानते हो कि ड्यू टू कोरोना इम्पैक्ट हमारे बहुत सारे फंडामेंटल्स, हमारा फाउंडेशन, हमें उसको साथ में लेते हुए आगे बढ़ना है। तो आज की क्लास के अंदर आप बिल्कुल दिमाग से ये चीज निकाल दो कि हम नीट का कोई बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं या हम 11th स्टैंडर्ड को कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल वे में स्टार्ट करने वाले हैं। ये जस्ट एक फील गुड इंट्रोडक्टरी फर्स्ट लेक्चर है। डॉक्टर सतीश सुथार, टॉप एजुकेशन, गांधीनगर एंड तपस्या इंटीग्रेटेड स्कूल से। हम टॉपिक के बारे में आज फंडामेंटल समझेंगे। और देखो, मैं इतना श्योरिटी लेता हूं कि जब भी आप टॉपिक को अटेंड करते हो, ये सुनते हो, तो आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ना है। आज की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक, हो सकता है आपने वो सारी चीजें 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी हो या आपने वो 10th स्टैंडर्ड के अंदर, 9th स्टैंडर्ड के पढ़ी हो, तो हम बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे। व्हाट इज बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका जो डेवलपमेंट हो अल्टीमेटली वो जीरो से लेकर टॉप तक हो। ओके, और आपको भी इसी मेथड को फॉलो करना है बेटा। देखो क्या करना है, एक छोटा सा थीम है, हम जितना आपको बताएंगे आपको सेम टाइम नोट करना है। आपको अच्छे से आता है तो भी नोट करना है, क्योंकि कब धीरे धीरे दो लेक्चर, चार लेक्चर, पांच लेक्चर के बाद में कंटेंट एडवांस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी ऐसा लगेगा कि हाँ ये इजी है, मजा आ रहा है, इजी है, मजा आ रहा है, फिर बाद के लेक्चर में टॉपिक डेप्थफुल होता जाएगा, इजी डेफिनेटली लगेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। बट आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यूअसली लिखते रहना है। ओके, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारा एक ओवरऑल मोटो या प्रिंसिपल क्या है इस चीज का। हम चाहते हैं कि आपका फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, ताकि आगे जाकर जितना भी डिटेल में हमको जाना है हम जाएं। बहुत सारे बच्चों को, आपको, आपके फ्रेंड्स को हो सकता है कि डे वन पे गोल सेट ना हो, है ना। हो सकता है कि मेडिकल में जाना है, बी ग्रुप लिया। अभी हो सकता है कुछ लोगों को यह भी तय ना हो कि बी ग्रुप लेना है या नहीं लेना है ना। इसीलिए हम सारी क्लासेस क्या कर रहे हैं, आपको मैथ्स की क्लास भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बायो की क्लास भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अल्टीमेटली किस गोल के अंदर, किस सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम जब भी पढ़ेंगे तो हमें एक तो हायर एजुकेशन के लिए हमारा फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, जो आता है अच्छी बात है, अदरवाइज हम उसको नोट करके चलेंगे। हम यहां पर इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे क्लास का, अभी आपको जितनी भी क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन होगा। ड्यूरिंग क्लास आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको उसके आंसर मिलेंगे, तो ये इंटरेक्शन है, ये रिकॉर्डेड मोड में जाकर और आप बाद में कभी भी वीडियो देख लेने का मैटर नहीं है, क्योंकि हम आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है। ओके, उसके साथ साथ हम कोर कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। मेन चीज ये है कि ये दो सालों के अंदर 11th एंड 12th, हमें आज 11th के बारे में सोचना है, 12th के बारे में सोचना है, बट उसके साथ हमें क्या सोचना है कि दो साल के बाद में हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। देखो बहुत सारे केस में क्या होता है हमारे पास में, हमको क्लैरिटी नहीं रहती है, हमको क्लैरिटी नहीं रहती है कि हम अल्टीमेटली किस फील्ड में जा सकते हैं, या बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि बायो के अंदर कौन कौन सा स्कोप है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, हम यहां पर बात करते रहेंगे, हमारे पास में MBBS है, BDS है, वेटरनरी है, आप BSc में, फार्मेसी के अंदर, पैरामेडिकल के अंदर, बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर आप जा सकते हो। इन सारे ऑप्शंस के लिए कौन से बेस्ट रेपुटेड कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, और एक पूरे इवेल्युएशन प्रोग्राम के थ्रू हम कहां पर एग्जिस्ट करते हैं और हमारे गोल तक पहुंचने के लिए हमें और कितना आगे बढ़ना है। तो ये जो एक पूरा हमारा प्रोग्राम है बेटा, ये प्रोग्राम नॉट ओनली एकेडमिक, हम ओनली बायो पढ़ाकर फ्री हो जाने वाला केस में नहीं रहना है, हमें खुद भी आपको भी एनालिसिस करते रहना है कि अल्टीमेटली जितने भी हमारे पास में जॉब अपॉर्चुनिटी या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, उन अपॉर्चुनिटीज में हम कहां फिट बैठते हैं, हमारा एग्जिस्टिंग लेवल क्या है, और हम और आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। जैसे हमने पहले आपको बताया है कि अब जैसे इंटरेक्शन के टाइम भी बताया था, आपको ये दो इयर्स में जितना भी कंटेंट रिक्वायर्ड रहेगा, जितना भी रेफरेंस मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय आवर टीम।
बस आपको क्या करना है, उस चीज को पैरेलली प्रिपेयर कर देना है। ओके, सो हम फंडामेंटल स्ट्रांग करेंगे, हम दो साल के बारे में सोचेंगे और दो साल के बाद के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि हमको पता होना चाहिए हम अल्टीमेटली किस फील्ड में जाना चाहते हैं और उस फील्ड में जाने के लिए कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कहां पर बोर्ड लेवल पे मार्क्स से हमारा एडमिशन हो जाता है, कहां पर नीट से होता है, कहां पर अदर देन नीट हमारे पास में ऑप्शंस हैं। तो हमें उन सारी चीजों के ऊपर भी धीरे धीरे समझना है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमारा होमवर्क जो है ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि हम लॉन्ग टर्म तक किस वे में आगे डेवलप होने वाले हैं। मैंने पहले ही बोला था बेटा, आज का हमारा लेक्चर बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, हम इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें या बायोलॉजी का नीट का ऐसा नहीं करेंगे। इनिशियली जब हम एक दूसरे से ट्यून हो जाएं, फिर हम क्या करेंगे, कंटेंट को डेप्थ में भी रखेंगे। ओके, देखो जैसे हमने बायोलॉजी का बात किया तो अब हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास में बायो से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसके अंदर हम ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन आपको 11th 12th में इन्हीं ब्रांचेस से टॉपिक आएंगे, जैसे हम एनाटॉमी का बात करते हैं। ओके, अब ये एनाटॉमी हमारे पास में 11th का चैप्टर नंबर 6 और 7 है। ओके, हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो ये हमारे 11th के अंदर यूनिट नंबर 4 और 5 है। तो यहां पर ब्रांचेस बॉटनी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जूलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हम इनको एक्सप्लोर करते रहेंगे और धीरे धीरे हमारा नॉलेज बढ़ाते रहते हैं और उससे हमको करियर गोल सेट करने में अच्छा रहता है, हमको थोड़ी हेल्प मिल जाती है। देखो आपको ऐसा लगता होगा कि हम पहले ही क्लास के अंदर करियर की बातें ये कहते क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको उसी विजन के साथ आगे बढ़ना है कि दो साल के बाद हम एडमिशन कहां लेंगे और हमारा टारगेट क्या है। दो साल का प्रिपरेशन जो है मोर देन सफिशियंट है बेटा, जितना हम बोलते हो उतना प्रिपेयर करते जाओ, डेफिनेटली टारगेट अचीव होता है। ओके, इसके बाद में आपको कुछ और ब्रांचेस भी यहां पर स्लाइड में दिखेंगी, आपको जो हम नोट्स भेजेंगे उस नोट्स के अंदर पीडीएफ के अंदर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। अभी इन सब का नाम सिर्फ सुन लो तब भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि आज के आज ये सारे नाम याद करने, क्योंकि कुछ ब्रांचेस आपने सुन रखी होंगी, फॉर एग्जाम्पल एग्रोनॉमी सुना होगा, सोइल साइंसेज, पैथोलॉजी सुन रखा होगा है ना, जो डिजीज से रिलेटेड होता है, वेटरनरी मेडिसिन, एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स का जो स्टडी होता है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है, फिर पोल्ट्री सुन रखा है, सेरिकल्चर, एपिकल्चर सुन रखा है, कुछ हमारे पास में मेडिकल से रिलेटेड भी है, फॉर एग्जाम्पल कार्डियोलॉजी आ गया, कार्डियोलॉजी के बाद डर्मेटो, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन से रिलेटेड हमारे पास में ब्रांच होता है, और ऐसी आपको हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस मिल जाएंगी बायोलॉजी के अंदर। और ये सारी ब्रांचेस हम क्यों सुन रहे हैं, याद नहीं करना है ना, ऐसे सारी ब्रांच हम डिक्शनरी याद करके कोई पर्सन नॉलेजेबल नहीं होता, उसको कॉन्सेप्ट याद करना होता है। मैं ब्रांचेस यहां पर इससे पहले वाली स्लाइड में ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हम समझ सके कि बायो के अंदर अल्टीमेटली स्कोप किस वे में डेवलप हो रहा है, हमें किस ऑप्शन के अंदर आगे बढ़ना है। दुनिया में, इंडिया में मान लो 18 लाख स्टूडेंट बायो बी ग्रुप लेते हैं तो 18 लाख स्टूडेंट एमबीबीएस में जाएंगे, हो सकता है गोल हो बट नहीं होता, तो अदर ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास में, कहां पर हम ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों पर हमको क्या करना है, माइंड में रखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे और बिल्कुल फंडामेंटल, मैंने कहा था ना बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हमारी क्लास के अंदर टेंशन बिल्कुल नहीं है, जीरो। हमें ऐसा समझ लो कि हमें कुछ नहीं आता है और हम वहां से भी स्टार्ट करेंगे ना तभी हमारा काम बहुत स्मूथली हो जाएगा। हम बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज साइंस। अब साइंस लिया है तो व्हाट इज साइंस तो पता होना चाहिए ना, तो साइंस का मतलब ये वर्ड कहां से आया, ये वर्ड आया है एक दूसरे वर्ड से, साइंसिया। ओके, ये कौन सा वर्ड है बेटा, साइंसिया। ओके, ये साइंसिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू नो, जानना। देखो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हर फील्ड में हम बात कर रहे हैं तो हम नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, बट यहां पर हम नेचर में जो इवेंट्स हो रही हैं उन इवेंट्स के पीछे के कॉज को समझते हैं। देखो साइंसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास में होता है कोर बायोलॉजी, क्लासिकल बायोलॉजी, जिसके अंदर आप एनाटॉमी पढ़ते हो, प्लांट कैसा होता है, एनिमल कैसा होता है। दूसरा आता है हमारे पास में अप्लाइड बायोलॉजी,
आपने ये समझ लिया कि इंटेस्टाइन यहां पर होती है, स्टमक इधर होता है, ये सारा सिस्टम होता है, तो ये तो कोर बायोलॉजी हो गया। बट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनलिस्ट जो है वो क्या करता है, या कोरोना हुआ तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, अप्लाइड बायोलॉजी कहलाती है या अप्लाइड साइंसेज। तो प्योर साइंसेज के अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और अप्लाइड साइंसेज के अंदर हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारा बेटर वे कैसे हो जाए। तो जो साइंस वर्ड है बेटा, ये साइंसिया से आया, और साइंसिया का मतलब होता है टू नो, जिसमें हम नेचर से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं। डे वन पे ढूंढ लोगे ऐसा नहीं होता, इतने हजारों सालों से साइंस चल रहा है, हर रोज इम्प्रूवमेंट होता है। आज से 100 साल पहले के साइंस इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी का जो लेवल था और आज जो लेवल है कंप्लीटली डिफरेंट है। अभी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बायो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आज के 100 साल के बाद साइंस इससे भी ज्यादा इंप्रूव कंडीशन में रहेगा। तो ये कंटिन्यूसली होने वाला प्रोसेस है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि व्हाट इज साइंस, और ये कौन से वर्ड से आया, साइंसिया से आया। ओके, इतना हम लिख सकते हैं, आराम से कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला है कि हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। अब यहां पर साइंस के अंदर जितना भी नॉलेज है वो हमारा नॉलेज ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और उनके वेरिफिकेशन से आता है, क्योंकि साइंस में कोई भी बात हम मन से नहीं बोल सकते। मान लो हम ये कोरोना एक एरा में चल रहे हैं फिलहाल, और मैं आपको ऐसा बोल दूं कि देखो मेरे पास में ये केमिकल है, खा लो 2 मिनट में कोरोना ठीक हो जाता है, ये मैं साइंस में नहीं बोल सकता हूं। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि साइंस में उसके पीछे के एविडेंसेस चाहिए। हम सब लोग, आप लोग, हम लोग ये पूरे 1 ईयर से लॉकडाउन को फेस कर रहे हैं, एजुकेशन में बहुत सीवियरली हम फेस कर रहे हैं इन सारी चीजों को, और जैसे कोरोना, क्वारंटाइन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो थे हमने पहली बार सुने, मतलब इम्प्लीमेंट हुए, हमारे साथ हुए ये सारी चीजें। फिर एक नया वर्ड वैक्सीन, तो देखो वैक्सीन ऐसा थोड़ी है कि कल परसों में आ जाएगा। हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं जो साइंस से बिलोंग नहीं करते, वो ऐसे होते हैं वैक्सीन क्यों नहीं ला रहे ये लोग, वैक्सीन ले आओ फटाफट काम करो। बट हमको पता है साइंस के अंदर जो भी चीजें होती हैं एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होती हैं, एक प्रोटोकॉल होता है और उसके साथ वो क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो आपको बिल्कुल साइंस लेने का स्टार्टिंग यहां से किया, हमको समझना है व्हाट इज साइंस और ये साइंस वर्ड कहां से आया है। ओके, इतना समझ में आ जाएगा बेटा, चलो इसको कॉपी करो आप सब लोग। अब यह है कि कोई भी साइंटिफिक स्टडी है तो साइंटिफिक स्टडी में प्रोटोकॉल क्या होता है, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस, हमको ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा चीजों को। हम ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तब तक तो हमारे पास में डेटा नहीं रहेगा। आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप एनालिसिस क्या करोगे। तो हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है साइंस के अंदर, जो भी टास्क है, समझ लो कि ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना ये एक टास्क हो गया, वैक्सीन फॉर द कोरोना, या म्यूटेशन, हमको कोरोना के म्यूटेंट पता लगाने, कुछ भी करना है, तो हम उसके लिए डिफरेंट हाइपोथेसिस, एक प्रैक्टिकल सेटअप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में वो हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करना पड़ेगा। ओके, अब हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे होती है, एक्सपेरिमेंट से होती है। मैं बिल्कुल ऐसा बड़ा बड़ा साइंस का बात नहीं करते, सिंपल बात करते हैं अपन। सोचो ऐसा आज अचानक सर का मूड खराब हो गया, भयंकर वाला खराब हो गया, तो क्लास में कैसा बातें होती है ना, आज क्या हुआ है इसको, आज तो खतरनाक मूड है। अब हमको पता लगाना है कि सर का मूड खराब क्यों हुआ, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। कैसी हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, पहली हाइपोथेसिस, सर के घर पे झगड़ा हो गया होगा, पहला तो यही आता है, घर पे नहीं तो यहां ऑफिस में झगड़ा हो गया होगा, या एक्सीडेंट हुआ होगा, कार बार को नुकसान हो गया होगा, इसीलिए मूड खराब है, ये है वो है। तो ये तो सारी हाइपोथेसिस हो गई। अब हाइपोथेसिस को प्रूव कैसे करेंगे, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सर के पास जाते हैं, सर को पूछते हैं, सर ये आपके ऑफिस वाले लोग ज्यादा अच्छे नहीं है ना, तुक्का मार देने का है। सही में ऑफिस में झगड़ा हुआ होता तो सर तुरंत बोलते हैं हाँ हाँ ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, ये नहीं था, घर का कुछ बहाना लेकर आए वो भी सर ने मना कर दिया, ट्रैफिक का कुछ लेकर आए तो सर तुरंत हाँ हाँ बहुत ट्रैफिक हो गया है, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से गाड़ी चलाते हैं, तब हमको आइडिया लग जाता है कि हाँ हमारा कार एक्सीडेंट वाला हाइपोथेसिस करेक्ट था।
तो ये तो जैसे हमारा एग्जाम्पल लिया, यहां पर क्या होता है, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन के बाद में हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग का मतलब क्या है, हम यहां पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट होने के बाद उनके रिजल्ट को एनालिसिस करके हम थ्योरी डेवलप करते हैं। तो हमारे पास में डिफरेंट थ्योरीज हैं, कोई थ्योरी अगेन एंड अगेन प्रूव हो जाती है, हम उनको लॉज बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, तो वो क्या है, अगेन एंड अगेन प्रूवन हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट, अब हमारे सब्जेक्ट पर आते हैं, अल्टीमेटली अब तक हमारा सारा इंट्रोडक्शन चल रहा था साइंस कैसा होता है, क्या होता है, अब हम हमारे कंफर्ट जोन में बात करेंगे, एंड इट इज बायोलॉजी। ओके, तो आपको ये देखना है कि बायोलॉजी क्या होता है, ये आपने छोटे क्लास के अंदर भी सुना होगा, हम बिल्कुल फंडामेंटल फंडामेंटल ऐसा बोल देते हैं, व्हाट इज बायोलॉजी, तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, सही बात है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अब बायोलॉजी के लिए हम क्या लिखेंगे, बायोलॉजी द साइंस ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ को पढ़ने का जो स्टडी है, जो प्रोटोकॉल है, वही तो बायोलॉजी है। और हम थोड़ी देर के बाद में देखेंगे, अल्टीमेटली बायो के अंदर बहुत सारी चीजें कंबाइन हो जाती हैं, जब हम सेल की बात करते हैं, हम सेल के अंदर केमिकल्स की बात करते हैं, तो वहां बायोकेमिस्ट्री भी आ जाता है, उसके बाद फर्दर हम जब बात करेंगे तो फिजिक्स भी इन्वॉल्व होगा, बायोफिजिक्स होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, तो अल्टीमेटली इस बायोलॉजी के स्ट्रक्चर के अंदर, स्टडी के अंदर हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे नॉलेजेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट राइट नाउ, अच्छा जिनके पास में टेक्स्ट बुक है, नहीं है तो मैं चैप्टर वन आपको पीडीएफ कर दूंगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बट आप थोड़ा सा टैली करके देखोगे तो हमने भले ही जीरो से स्टार्ट किया है, बट चैप्टर वन भी हमारा क्या हो रहा है, पैरेलली रन हो रहा है, तो आपको स्ट्रेस कहीं नहीं लेना है कि ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इजीली चीजें समझ में आएंगी, बस आपको नोट डाउन करना है, सेपरेट नोटबुक बनानी है। मैक्सिमम लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब एक में ही चल रहा होता है, तो वो खिचड़ी वाला सिस्टम नहीं रखना, सेपरेट नोटबुक बनाओ ताकि मेरे लेक्चर में जो जो भी मैंने लिखवाया वो आपके पास में नोटेड रहे। ओके, व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। अब ये जो बायोलॉजी वर्ड है बेटा, ये बायोलॉजी वर्ड दो अलग अलग वर्ड से डिराइव हुआ, एक होता है बायोस और एक होता है लोगोस। बायोस का मतलब क्या है, लाइफ, एंड लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, टू डिस्कवर, उसको जानना, उसको समझना, जैसे आपने सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी, तो लॉजी लोगोस, बायोटेक को समझना, उसको जानना, है ना, जूलॉजी, जियोलॉजी, तो जितना भी नैनो टेक्नोलॉजी, तो जितना भी ये लॉजी लॉजी वाले साइंसेज होते हैं, अल्टीमेटली वो सारा लॉजी कहां से आया है, लोगोस से आया है, और लोगोस का मतलब क्या हो गया, टू डिस्कवर। सो अभी हम किसको डिस्कवर कर रहे हैं, हम लाइफ को, लाइफ को समझना चाहते हैं, सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, नॉलेज अबाउट द लाइफ इज बायोस प्लस लोगोस इज इक्वल टू बायोलॉजी। ओके, अब हम इसको डिफाइन करें, वैसे देखा जाए ना तो बायो को हम डिफाइन नहीं कर सकते, देयर इज नो डेफिनेशन एग्जैक्टली, हम लाइफ को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ अपने आप में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, उसको कैरेक्टराइज करते हैं, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से फिनोमिना है, जिस बेसिस पे हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। तो बायोलॉजी इज द साइंस That studies living organism, जो living organism को study करे वो हमारे पास में क्या हो गया, biology हो गया, और हमने bio लिया है तो आने वाले दो साल तक और उसके भी बाद तक इसी की बात करते रहेंगे, living organism की बात करेंगे। वैसे इसी topic में हम death का भी बात करेंगे, because termination of all metabolic activities is death, लेकिन वो सबसे last में बात करना है ना, अभी नहीं। उसके बाद में bio के अंदर क्या है कि भाई ये biology word दिया किसने, आपने छोटी क्लासेस के अंदर सुना होगा लामार्क। अभी हम एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा नीट के लिए भी पढ़ना है ना, तो हम यहां पर एक वर्ड ऐड करते हैं, अच्छा ये मर्जी से नहीं किए, इट इज द फैक्ट। ओके, तो यहां पर ये वर्ड क्या हो गया, ट्रेविरेनस। कभी हमको नीट में क्वेश्चन आ जाए, द वर्ड बायोलॉजी वॉज गिवन बाय, ऑप्शन ए लामार्क, करेक्ट कर देना है। मान लो ऑप्शन में लामार्क है ही नहीं, ट्रेविरेनस दे रखा है, करेक्ट कर देना है। बोथ दे रखा है, करेक्ट कर देना है। बट ऐसा हो गया कि इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, मतलब ज्यादा क्रेडिट किसको देना है, तो फिर हम क्रेडिट देंगे लामार्क को।
ऐसा इसलिए क्योंकि जो वर्ड कॉइन किया था दैट इज बाय ट्रेविरेनस, बट उसको जो साइंस के अंदर पॉपुलराइज किया, जो प्रैक्टिकली यूज किया, वो सारा जो पॉपुलर हुआ था वो लामार्क की एप्लीकेशन की वजह से हुआ था। तो मान लो हम तो दोनों को ही यहां पर लिख लेते हैं, लेकिन आपने अब से पहले छोटी क्लासेस के अंदर जब पढ़ा होगा तो बायोलॉजी वर्ड गिवन बाय लामार्क यही पढ़ रखा था और मेरे ख्याल से यही पढ़ा होगा। ओके, ये हमारे पास में सिंपल फंडामेंटल आ गया बेटा। ओके, अब नेक्स्ट यहां पे समझना बेटा, जैसे हम बायो के अंदर बात करते हैं तो डाइवर्सिटी, क्योंकि हमको अल्टीमेटली बायो के लिए बात करना है, तो हम उसके अंदर एंथू होते हैं, हमको पता होता है कि बायो के अंदर क्या कंडीशंस हैं, कैसी कंडीशंस हैं, और हमारे पास में एक ग्रेट डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी आपको बहुत सारे चैनल्स के अंदर, अल्टीमेटली बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो इन्हीं डाइवर्सिटी के ऊपर डिवोटेड हैं, बट हमको अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा सेक्शंस के बारे में, प्लांट के बारे में भी सुनना है, एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है ना, माइक्रोब्स, वायरस, फंगस, रिलेशनशिप, कि उनके बीच में रिलेशनशिप्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं, तो हम इन सारी चीजों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो बायो में हमारे पास में हम ऐसा बोलते हैं कि ये लिविंग वर्ड जो है वो वंडरफुल है, हम सभी जानते हैं, हम रहते हैं तो वंडरफुल तो होगा ही बेटा, है ना। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स भी होते हैं, ऐसे हैबिटेट जहां पे हम इमेजिन नहीं कर सकते, माउंटेन्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, बहुत गर्म पानी निकलता रहता है, स्नो एरिया, हमको ऐसा लगता है कि ये जीरो डिग्री या सब जीरो डिग्री में तो कौन सर्वाइव करेगा, -20, -35 में कौन रहेगा, बट आपको वहां पर भी बैक्टीरिया मिल जाएंगे, आर्की बैक्टीरिया, आपको वहां पर लाइकन मिल जाएगी, कुछ ब्रायोफाइट्स मिल सकते हैं। तो होता क्या है, नॉर्मल हैबिटेट्स एंड एक्सट्रीम हार्श के हैबिटेट्स सब में आपको क्या होगा, कोई ना कोई तो हमारे पास में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो पूरे वर्ल्ड में हम एक वर्ड यूज करते हैं बेटा, बायोस्फीयर। ओके, बायोस्फीयर का मतलब क्या है कि ये पूरा वर्ल्ड अर्थ, जहां जहां पे बायोलॉजी का कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उन सबको कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। हम जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तब इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम फंडामेंटल देख रहे हैं। अब जैसे हमारे पास में हम बात करें कि बायोलॉजी के अंदर, तो हमारे पास में बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारे आपने ऐसे इमेजेस देख रखी हैं जो ब्यूटीफुल, जो नेचर का ब्यूटी है, उस ब्यूटी में बड़ा कंट्रीब्यूशन एक डाइवर्सिटी का है। आप इसको देख सकते हो, आप इसको समझ सकते हो, इवन हमने बहुत सी बार इसको फील भी किया होगा कि ये जितना भी नेचर है और इन सब के बारे में पढ़ना अपने आप में एक चैलेंजिंग और एक इंटरेस्टिंग टास्क है। हम इतनी सारी ब्रांचेस के बारे में, इतना हम अभी तक ऐसे बात करें तो नियरली 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज तो रिपोर्टेड है। अच्छा, ये सब हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि बायो के अंदर कितना टास्क पेंडिंग है। कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि ये जो हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीशीज था, इससे बहुत ज्यादा, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि ये 5 मिलियन हो सकता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये 50 मिलियन भी हो सकता है, बट मान लो हम 5 मिलियन को भी मान के चले तो आप देखो अभी तो हम बहुत कम जानते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। एक छोटा सा हम बात करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे हमने एंट्स के बारे में सुन रखा है, चींटियां होती है ना, तुम मैं क्या है, दो टाइप का चींटी के बारे में जानते हैं, लाल चींटी काली चींटी, ऐसा ही समझते हैं ना। लेकिन आपको ये जानकर अजीब लगेगा, नई बार सुनोगे आप लोग, एंट्स की अभी तक 20,000 स्पीशीज रिपोर्टेड है। हमें तो चींटी चींटी लगता है ना, बट उसकी कितनी स्पीशीज रिपोर्ट हुआ बेटा, 20,000 स्पीशीज है। ऑर्किड्स 20,000 स्पीशीज उसके अंदर रिपोर्टेड है। मैंगो इंडिया के अंदर नियरली 1,000 टाइप का तो मैंगो होता है, अपने आप में बहुत ज्यादा है। मैंने कई डेटा पढ़ा था, इंडिया में 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस है। तो देखो अपने आप में ये बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है और ये बहुत बड़ा नेचर बायोस्फीयर है, और हम इसके बारे में धीरे धीरे समझेंगे।
बट अभी आपको क्या समझना है, अभी ऐसा समझना है कि हम कितना जानते हैं, हम जानते हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज के बारे में जानते हैं। अब देखो धीरे धीरे बायो के टॉपिक आते जाएंगे, आपको ये सारी चीजें पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। ये आपको फिर से एनिमेशन दिख जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब फिलोसोफी को छोड़ के हम यहां पे बात करना है व्हाट इज लाइफ। ओके, व्हाट इज लाइफ का मतलब फिलोसोफी में यहां पे क्यों स्किप कर रहा हूं ये आपको बता देता हूं। फिलोसोफी में तो लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, इसके कितने सारे एंडलेस डिस्कशन होंगे। बट अभी हम तो साइंस के हिसाब से देख रहे हैं ना कि साइंस क्या कहता है कि लाइफ क्या है। हम फिलोसॉफिकल में नहीं जाएंगे, जीवन क्या है, जीवन चलता रहता है ना, वो सब नहीं। अभी हमारा जीवन खत्म हो जाएगा बट वो फिलोसॉफी खत्म नहीं होती। हम यहां पर बायोलॉजिकल पॉइंट पे, साइंटिफिक पॉइंट पे बात करेंगे। तो हमारे पास क्या है, लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस व्हिच लीड्स टू ग्रोथ डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिवनेस एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। कहने के लिए एक लाइन का डेफिनेशन, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब वन बाय वन समझो। यूनिक, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे कैरेक्टर नहीं मिलते जो हमारे अंदर मिलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, इसको समझना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप लोगों ने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड सुना होगा। लेकिन इस चीज में एक और समझने वाली बात यह है कि मान लो मैं टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड मिला देता हूं तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं हो जाता। बट हमारे अंदर सेम मॉलिक्यूल्स, कितना इंपॉर्टेंट टास्क, अल्टीमेटली तुम जो हो और मैं जो हूं कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स ही तो है। तुम्हारे केमिकल मेरे केमिकल से थोड़ा अलग है, इसलिए मैं थोड़ा अलग दिखता हूं, तुम भी अलग दिखते हो, मैं ज्यादा दिखता हूं, तुम हो सकता है कम दिखते होंगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम इसको क्लियर करें तो ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बारे में हम आराम से पढ़ते रहते हैं। अभी आपको नाम समझना है तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स, हम इसके बारे में बात कर सकते थे। उसके बाद में उन सब की रिएक्शन से क्या होता है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारा डेवलपमेंट होता है, हम रिस्पॉन्स करते हैं। बेसिकली ये सारे क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ है। कि हम डिफाइन करना चाहें ना कि लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस हैं, तो हम इन सारे पॉइंट्स की बात करते हैं। तो ये हमारे पास में लाइफ का फंडामेंटल डेफिनेशन हुआ। इसको आप कॉपी करोगे बेटा कंपल्सरी, है ना, कि लाइफ क्या है, लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस व्हिच लीड्स टू ग्रोथ डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिवनेस एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। और 11th एनसीईआरटी चैप्टर 1 का फर्स्ट हाफ जो है वो इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता है। तो हम यहां पर एक लाइन में अभी सिर्फ डेफिनेशन दे रहे हैं, हमें इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन क्या करना है, समझना है। और आज टाइम रहा प्रॉपर इंटरेक्शन का, तो हम आज ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। ओके, चलो इसको बेटा आप कॉपी करो, है ना, ये डेफिनेशन आपको कंपल्सरली कॉपी करनी है। नेक्स्ट, और क्या स्पेशल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अभी आप आमने सामने होते, हम पूछते तो आपकी तरफ से क्या क्वेश्चन रहता कि सर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा ब्रीदिंग करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा वॉकिंग करते हैं, यही सब आता ना हमारे मन में। बट हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, बायोलॉजिकल टच देते हैं। देखो बायो में, साइंस में कभी कभी हमें वर्डिंग चेंज करने से उस कॉन्सेप्ट का इम्पैक्ट स्ट्रांग हो जाता है। कैसा, इसे आपने सुना होगा, अभी तो बोल भी नहीं सकते ना ऐसी बातें, वरना पहले कैसा मस्त मजे से खांसी होती थी, सर्दी होती थी। अभी किसी को सर्दी होता है यूं करके देखता है, दूर रहना इससे, मास्क टाइप का है तुम्हारा सा, मास्क के लिए पूछता है। बट कॉमन कोल्ड है, ठीक है, हम बोलते हैं क्या हो रहा है, कॉमन कोल्ड हो गया है, कोई लोड नहीं लेता। बट मैं उसके सिम्टम को थोड़ा मेडिकल टर्म के अंदर बोलूं कि क्या हुआ है कि एक्यूट रिनिटिस इन द ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। बोले ये क्या होता है,
और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना है, एक्यूट रिनिटिस एसोसिएटेड विद द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा और वी कैन से स्निडेरियन मेम्ब्रेन, यो करके देखते हैं कि बहुत भारी बीमारी हुई है तेरे को, कुछ नहीं कॉमन कोल्ड है, नाक बह रही है, तो दोनों में फर्क आया ना, एक्यूट रिनिटिस बोल दिया थोड़ा इंपैक्ट आया, एक्यूट रिनिटिस इन्फ्लामेशन स्निडेरियन मेम्ब्रेन ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा सब बोल दिया, इंपैक्ट कितना हेवी हो जाता है, और कॉमन कोल्ड बोल दो कोई लोड ही नहीं लेता था, अब तो लेते हैं वो कोरोना का टेस्टिंग कराते, बट पहले तो कोई लोड नहीं लेता ना, छुट्टी थोड़ी मिलती थी, कॉमन कोल्ड हुआ है छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी चाहिए, प्रिंसिपल मना करता है नहीं मिलता, अभी तुम एप्लीकेशन लिख के देना आने वाले साल में कभी भी, कॉमन कोल्ड हुआ है 14 डेज का छुट्टी मिलता है और कोरोना का टेस्ट भी कराना पड़ता है, ठीक है। तो हुआ क्या है यहां पर, वर्डिंग्स को समझना, हम पूरे चैप्टर के अंदर बायो को लाइफ को समझते रहते हैं, आपको ये सारी चीजें क्लियर भी होती रहेंगी और चैप्टर वन प्रिपेयर भी होता रहेगा। और एक बात, ये जितना हम बात कर रहे हैं ये सारे डिस्कशन के बाद, इन टॉपिक में आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जो पढ़ा रहे हैं नीट और बोर्ड इंटीग्रेटेड ही अप्रोच, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, आपको सेपरेटली प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है, ये बोर्ड के लिए है, ये नीट के लिए, ये बोर्ड के लिए, ये नीट के लिए, कुछ नहीं, जो है ये बायो के लिए है, ओके। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब रिप्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री से तो नहीं आते ह्यूमन या कोई भी ऑर्गेनिज्म, डाउनलोड तो नहीं होते, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, आपने 10th स्टैंडर्ड कितना पढ़ा, गवर्नमेंट ने तो प्रमोशन दिया है, बट 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ रखा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम उसके बारे में ब्रीफ करेंगे, तो वो रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवोल्विंग, इवोल्यूशन तो होता है बेटा, क्योंकि मान लो ये इवोल्व ना होते थे तो मंकी का मंकी रह जाता, इंसान बनता ही नहीं है ना, वैसे मंकी हमारे एंसेस्टर नहीं है, ह्यूमन और मंकीज के एंसेस्टर कॉमन है, तो वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटिंग, हम खुद की चीजों को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, देखो एसी चल रहा है या नहीं चल रहा है, बॉडी टेम्परेचर तो 37 डिग्री रहेगा, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कंडीशन हो गई, सेल्फ कंट्रोलिंग कंडीशन हो गई। हम रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, बाहर बहुत गर्मी है ऐसा स्वेटिंग स्टार्ट हो जाता है, सर्दी है शिवरिंग आना स्टार्ट हो जाता है, दैट मींस हम एक्सटर्नल स्टिमुलस से क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अंधेरे कमरे से बाहर निकलो तो तुरंत क्या होता है, ऐसा आंखें बंद हो जाती है, ऐसा बाहर से अचानक अंधेरे कमरे में आ जाओ, आंखें खोल खोल के देखते क्या हो रहा है, कहां गए आ गया, होता है ना ऐसा, तो ये हमारे पास में हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपको इससे पहले वाला स्लाइड का डेफिनेशन आपको यहां पे लिखना है कि क्या लाइफ है, हम उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है बेटा, लाइफ को डिफाइन नहीं करेंगे, लाइफ को कैरेक्टराइज करेंगे, और यहां पर भी देखो हमने बेसिकली कैरेक्टर्स के बारे में ही बात किया है, ओके। इन पॉइंट्स को भी आप कॉपी कर लेना है, भले ही आपको ये सारा पीडीएफ नोट्स मिलता है, मैं कॉपी करने के लिए क्यों बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि मोबाइल, आप मोबाइल से जब क्लास अटेंड करते हो तो पीडीएफ आ गया, हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो वी हैव द मटेरियल, बट जब तक वो नोटबुक में नहीं आएगा आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। तो डे वन से ही, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम तक ऑनलाइन क्लासेस रहती है, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम फोल्डर्स में सेव कर लेते हैं, बट जो पेन पेपर का स्टडी है उसका कोई मुकाबला नहीं है, अब उसी हैबिट को रखना है, ओके। अब हम कुछ बेसिक कैरेक्टर्स पे जाएंगे कि हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स को समझना है इस चैप्टर वन, मतलब हमारा इंट्रोडक्शन भी पूरा हो जाएगा और चैप्टर वन भी पूरा होता जाएगा। इसमें से कुछ वर्ड्स आपने सुन रखे हैं, कुछ पहली बार सुनोगे, उसको हम सबको समझाने वाले हैं, ओके। देखो सेलुलर स्ट्रक्चर आपने सुना हुआ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल से बना होता है। अच्छा एक चीज और समझना बेटा, हम जब ये सारी बातें कर रहे हैं तो इस पूरे डिस्कशन में कहीं पर भी अब वायरस को बीच में मत लाना, ठीक है, ये वायरस परेशान करता है, ठीक है। अब वायरस को बीच में क्यों नहीं लाना है, बिकॉज वायरस इज लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ओके। ये तो
लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब वायरस के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैच होते हैं, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि वो अपना केमिकल नेचर शो करता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि वायरस इज द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, मेटाबॉलिज्म, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। देखो हमारे अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, हमारा पूरा बॉडी अपने आप में केमिकल फैक्ट्री जैसा है। मैं प्रूव कर दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। मेरा टॉपिक जो है आज नहीं, आज मैं ग्रोथ के बारे में बात करूंगा, थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा, बट नेक्स्ट क्लास जो मेरी मेटाबॉलिज्म की रहेगी, मैं आपको इतनी रिएक्शंस बताऊंगा और इतने केमिकल्स के बारे में हम बात करेंगे बिल्कुल नॉर्मल वे में विदाउट एनी प्रेशर। आप सबको समझ में आएगा कि हे भगवान, इतना सारा अंदाज चल रहा है ना। खुश होने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी केमिकल्स होते हैं, दुख होता है तब भी उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। तो ये सारा जो केमिकल लोचा है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें, हमारा फिलोसॉफी जो साइकोलॉजी होती है, हमारा इमोशनल बिहेवियर है, हमारा हैप्पीनेस है, हर चीज, खाना खाना, ये हॉर्मोन्स, ये सारी चीजें अल्टीमेटली केमिकल फैक्ट्री है। और ये पूरा केमिकल रिएक्शंस को, जो बायो के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इरिटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, आप रिएक्ट करोगे, ये हमारे पास में एक कैरेक्टर हुआ। एडप्टेशंस, आपने कुछ पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड के अंदर, डेजर्ट के अंदर जो प्लांट होते हैं वो डेजर्ट में कितना कंफर्टेबली ग्रो कर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ एडप्टेशंस हैं। ग्रोथ पे अभी हम बात करने ही वाले हैं। रिप्रोडक्शन, होम्योस्टेसिस, ये वर्ड मेरे ख्याल से आपके लिए नया वर्ड होगा। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, जब डिटेलिंग आएगी तब हम बात करना है, बट होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट एट अ कांस्टेंट वैल्यू। इंटरनली जो हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, देखो आप लोगों ने सुन रखा होगा कुछ लोगों को डायबिटीज होती है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाता, बट वो कुछ लोगों को होती है, बहुत सारे लोगों को ये इश्यू नहीं है, बिकॉज वो ग्लूकोज इंटेक ज्यादा करें या कम करें, बॉडी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके चलेगी। कैसे करती है, हमारा एग्जाम्पल में आएगा। बाहर विंटर होने दो, बाहर समर होने दो, बट हमारा टेम्परेचर मेंटेन्ड है। तो हमारा जो इंटरनल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, हम उसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। तो ये तो जस्ट एक ब्रीफ है कि हम कौन कौन से कैरेक्टर्स के बारे में देखना सुनना है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस पे रहेगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपके लिए कंप्लीटली डिफरेंट और नए रहेंगे। देखो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, आज के लेक्चर में हम बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे, सिंपल इजी बातें करेंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम क्या करना है, उसको थोड़ा इलोबरेट करना है। ओके, नेक्स्ट अब हम ग्रोथ की बात करते हैं। तो ग्रोथ में हमको इतना तो पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। एक बैक्टीरिया भी ग्रो करता है बेटा, अमीबा भी ग्रो करता है, पैरामीशियम भी ग्रोथ करता है। जरूरी नहीं है कि सारी ग्रोथ हम नेकेड आई से देख सकें, है ना। कुछ ग्रोथ को देखना है मान लो आपको, तो आपके पास में जैसे आपने, मैं यहां पर एक एनिमेशन के थ्रू दिख रहा है आपको ये पिक्चराइजेशन, कि एक सीड जर्मिनेट हो रहा है और डे वाइज आप यहां पर नीचे देख सकते हो, यहां पर डेज मेंशन किए हुए। तो डे वाइज देखो, पहले रूट आई, रूट ग्रोथ कर रही है, फिर वो सोइल के अंदर एंकर करेगी, फिर रूट की ब्रांचेस निकलती हैं और उसके बाद में शूट आना स्टार्ट करेगा। फिर ये शूट में से आप देख सकते हो ऑन द 7th डे क्या हो रहा है, अब लीफ बनना स्टार्ट हो जाएगा। वो लीफ अब फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करेगी, फिर धीरे धीरे प्लांट की ग्रोथ अपनी जो भी साइज है, शेप है, वो प्लांट अचीव करना स्टार्ट कर देता है। तो आपने यहां पर देखा, जैसे हमने एक सीड में एम्ब्रियो से एक प्लांट बनने के वीडियो को यहां पर ऑब्जर्व किया। हम इसी को सोचे तो ये क्या है हमारे पास में, अल्टीमेटली ग्रोथ है। कि भाई ग्रोथ क्या होता है, तो ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास, ओके, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये अच्छी बात है, इसको समझने के लिए आपको देखना ध्यान से, कि मास इंक्रीज हो रहा है तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो आप लोगों ने अमीबा, आप लोगों ने
अमीबा के बारे में तो पढ़ रखा होगा, है ना, ये आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी देखा था। अभी इस अमीबा के अंदर कौन सा मोस्ट कॉमन था? बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन के अंदर फिर दो स्टेप्स थी, इनकेस आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। दो स्टेप होती थी, पहला होता था कैरियो काइनेसिस और उसके बाद में साइटो काइनेसिस। कैरियो काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटो काइनेसिस का मतलब क्या हो गया? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जब इसके अंदर बाइनरी फिशन हुआ, हमको क्या मिल गए? दो अमीबा मिल गए। ये अमीबा थोड़े टाइम के बाद फिर डिवाइड करेंगे, हमें टोटल कितना अमीबा मिल गया? चार अमीबा हो गए हमारे पास में, ठीक है। तो अब देखो बेटा ध्यान से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है, एंड ग्रोथ इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहां पर ग्रोथ के लिए जो डिवीजन हो रहा था, उस डिवीजन से इनिशियली तो क्या हो रहा था, एक स्मॉल सेल बनी, फिर वो स्मॉल सेल एनलार्ज हुई, और एनलार्ज होने के बाद जब अगेन डिवीजन होता है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए। तो अमीबा ग्रो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी बढ़ रहे हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वो कैसा हो जाएगा? वो उनके पास में हो जाएगा, ट्विन कैरेक्टर हो जाएगा। ओके, तो आप इस चीज को समझो कि हमारे पास में जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ओके, ये क्या हो गए? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये क्या होता है? कोरिलेटेड रहता है। ये तो वीडियो आपने देख ही लिया है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रोथ करेगा। सेल डिवीजन मतलब जैसे आप यहां पर देखो, इस वीडियो के अंदर जब हमने यहां पर देखा था तो ये रूट बनना स्टार्ट हुआ, तो नया सेल आएगा कहां से बेटा? डिवीजन से ही तो आएगा। तो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया? सेल डिवीजन। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने सेल डिवीजन 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा। ओके, अब प्लांट के अंदर ग्रोथ जो होती है और डिवीजन जो होता है वो कंटिन्यूअसली होता है थ्रू आउट द लाइफ स्पान। अच्छा, फिर से मैं बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं है कि वो चांद तक चला जाएगा। एक रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, जैसे हम है ना, ह्यूमन है, हम क्या बोलते हैं 17 ईयर 18 ईयर्स या अप टू 19 ईयर्स होने के बाद में हाइट इंक्रीज नहीं होगा, एक लिमिटेशन आ गया। प्लांट के अंदर ऐसा नहीं है, वो जब तक सर्वाइव करता है उसके अंदर ब्रांचेस ग्रोथ करती रहती है, है ना, आप कट करोगे तो फिर ब्रांच ग्रोथ कर जाएगी। सो उनके अंदर थ्रू आउट द लाइफ स्पान, ये नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए। तो लाइफ स्पान क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। तो बर्थ और डेथ के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान बोलते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, आप कॉपी करते रहना पॉइंट्स को। अब मान लो हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स के अंदर ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज तक होता है। जैसे हमने हमारा एग्जांपल लिया, तो हम जानते हैं ना कि हमारा ग्रोथ कब तक हुआ था? हमारा ग्रोथ हुआ था अप टू 17 ईयर 19 ईयर, है ना, हाइट की बात कर रहे हैं। हाइट के बाद में बॉडी मास बढ़ सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये तो ग्रोथ हुआ। अब यहां पर जो सेल डिविजन है वो सर्टेन टिश्यूज के अंदर होते हैं बाद में, जो पुरानी सेल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं जहां पर फ्रॉग का एम्ब्रियोजेनेसिस बता रखा है। देखो ये एग्स हैं, ये सारे यहां पर ये एग्स थे। ओके, ये एग हो गया और ये यहां पर डेज आप देखते रहना, जैसे 7 डे को क्या कंडीशन हो रही है, उसके बाद आप देखोगे डे 9 को ये एम्ब्रियो थोड़ा और एनलार्ज हो गए। ओके, डे 12, तो आप जैसे जैसे देखोगे अब इसमें से क्या होगा, फ्रॉग का लार्वा, देखो लार्वा कुछ एनिमल्स के अंदर डायरेक्टली एडल्ट नहीं बनते, पहले लार्वा स्टेज आती है। तो यहां पर ये लार्वा क्या हो गए, डेवलप होने लग गए और फिर ये क्या होते हैं, वहां से रिमूव हो जाते हैं। देखो ये, तो ये ऑलमोस्ट फिश जैसे छोटे विथ टेल स्विमिंग करते हैं और ये लार्वल स्टेज है, आप इसके अंदर टेल देख सकते हो, उसका स्विमिंग देख सकते हो। फिर उसके बाद में इसके अंदर मेटामोर्फोसिस होता है। मेटामोर्फोसिस का मतलब क्या है? इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे।
अभी ये लार्वा स्टेज इस तरीके से थी, अब ये लार्वा स्टेज से क्या हो रहा है, यहां पर जाकर चेंजेस आएंगे। अब देखो इसके अंदर हिंड लिंब बनना स्टार्ट हो गया, फिर धीरे धीरे इसका टेल जो होता है वो क्या होता रहेगा, डिसअपियर होता रहेगा। तो यहां पर हम फ्रॉग का एक स्टडी कर रहे हैं, ऐसे हर एनिमल का हमको वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं, आप देख सकते हो। तो हो क्या रहा है, ग्रोथ करने के लिए जो सेल्स चाहिए वो सेल डिवीजन से बनेगा और अल्टीमेटली वो एक एडल्ट स्टेज के अंदर पहुंच जाता है। फ्रॉग के अंदर बहुत सारी ऐसे ऐसे स्पीशीज सब स्पीशीज होती है, आप देख सकते हो कुछ यहां पर बता रखा है। बट ये है कि थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ग्रोथ नहीं होती, एक पर्टिकुलर एज तक ही होगा, ये पॉइंट आपको लिखना है। ओके बाकी तो फ्रॉग एंजॉय कर रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना इनफ है, और आपको फ्रॉग देखने हैं गूगल पे बहुत सारा चीज अवेलेबल होती है। नेक्स्ट, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन से डेफिनेटली होगा, और उसके अंदर मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले अमीबा के केस में बताया, जैसे यहां पर बैक्टीरिया के केस में बता रखा है, तो यहां पर क्या है कि हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो यहां पर ये जो व्यू आपको दिख रहा है ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है कि माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया, ये रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। ओके, इसको हम बैसिलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैसिलस। तो बैसिलस बैक्टीरिया जो है उसके अंदर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ग्रोथ होती जा रही है, डिवीजन होता जा रहा है, वैसे बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा है। ये 1 आवर के बाद का कंडीशन था, 1 आवर 20 मिनट्स, और आप टाइम के साथ देखोगे कि ये बैक्टीरियल कॉलोनी क्या होती जा रही है, एक्सपांड होती जा रही है। ओके, देखो तो हम माइक्रोबियल ग्रोथ को, कल्चर को क्या कर सकते हैं, यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। और यहां से एक और चीज प्रूव होती है, क्या प्रूव होती है, जो मैंने पहले आपको बताई थी, क्या बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर या अमीबा पैरामीशियम में ग्रोथ इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्शन। क्योंकि हमारे केस में क्या हो रहा था, मान लो ये 2 सेल्स हैं, डिवीजन हुआ तो बायोमास बढ़ा, और डिवीजन होगा तो और बायोमास बढ़ेगा। बट यहां पर क्या हो रहा है, डिवीजन के साथ में 2 सेल बन गई, 2 इंडिविजुअल बन गए, फिर 2 इंडिविजुअल बन गए, तो यहां पर ये क्या हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो गया। ये पॉइंट्स आपको नोट करना बेटा। अब एक और चीज को समझो, इन मेजोरिटी ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास में फिक्स्ड इवेंट्स का एक पैटर्न है। जैसे हम हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, पहले वो जैसे हम एनिमल के टर्म में बात करें तो बर्थ हुआ, तो बर्थ के बाद चाइल्डहुड होता है, उसमें हम ग्रोथ कर रहे होते हैं, जुवेनाइल फेज हम वर्ड यूज करते हैं, उसके बाद में मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी मतलब अब कैपेसिटी आ गई फॉर द रिप्रोडक्शन, तो पहले ग्रोथ होती है फिर रिप्रोडक्शन होता है। तो ये एक दूसरे के साथ में क्या हो गया, एसोसिएटेड टर्म हुआ, कि पहले फिक्स सेट ऑफ स्टेप्स हैं, पहले ग्रो होना है फिर रिप्रोडक्शन होना है। ऐसा नहीं होगा पहले रिप्रोडक्शन कर लो ग्रोथ बाद में होती रहेगी, ऐसा नहीं होता ना। यहां पर हम क्या बोलते हैं कि जो ग्रोथ है उसके अंदर बॉडी साइज क्या होना चाहिए, बायोमास बढ़ना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट आप नोट करो कि ग्रोथ जो होता है वो हमारे पास में इरिवर्सिबल स्टेज में होता है। मतलब क्या है, मान लो कहीं पर स्वेलिंग आ गई तो हम उसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे कि वापस से वो टिश्यू नॉर्मल हो जाना है। हमारे पास में क्या होना है कि वो इरिवर्सिबल, एक बार हाइट इतना बढ़ गया, ओके ये हमारा हाइट है इतना बढ़ गया, तो अभी ये इतना तो रहना है, ऐसा थोड़ी 2-3 दिन के बाद वापस छोटे हो गए तो फिर वो ग्रोथ नहीं है। रिवर्सिबल हुआ तो ग्रोथ नहीं है, ये कैसा होना है हमारे पास में, इरिवर्सिबल होना है। ओके, अब एक और चीज है, हम जैसे यहां पर देख रहे हैं ये ग्रोथ होता जा रहा है, ग्रोथ होता जा रहा है। ओके, बट आप ये भी तो देखो, कभी कभी तो माउंटेन भी ग्रो कर जाते हैं, तो हमारी ग्रोथ में और ये माउंटेन की ग्रोथ में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास में मान लो ग्रोथ होती है, तो उस ग्रोथ में और हमारी ग्रोथ में क्या डिफरेंस होगा, अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमको याद रखना है कि
लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है, इंटरनल। ऐसा बाहर से लाके ये सब बायोमास नहीं हटाया, हमने डाइट कंज्यूम किया होगा, खाना खाया होगा, मेटाबॉलिज्म हुआ होगा और इंटरनली ये सारी चीजें क्या होती जा रही है, एक्सपांड करती जा रही है। फिर हम थोड़े टाइम के बाद में प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मिक बात करेंगे, बट अभी समझो कि हमारे पास ग्रोथ कैसी है फ्रॉम द इनसाइड। हमारे पास में जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग यानी जैसे हमने कहा कि बिल्डिंग बड़ी हो गया, बिल्डिंग क्या है, ग्रो तो नहीं कर रही, इंटरनली तो ग्रो नहीं कर रही थी। समझो हमारे पास में एक फ्लोर है, ओके, तो यहां पर ये जैसे हमारे पास में एक बिल्डिंग हो गया, सपोज एक बिल्डिंग हुआ, अब मुझे इसको बड़ा करना है तो बाहर से कुछ ना कुछ ऐड करना है ना। इंटरनली तो ऐसा नहीं होता, 1 BHK लिया, साल भर के बाद 2 BHK हो गया मुश्किल है, होता था तो मजा आता था बट नहीं होता। ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स अपने आप में इंटरनली लार्ज ग्रो नहीं करते, वरना पता बड़ा बाजू वाले के बंगलों ने उसके दूसरे बंगलों को ऐसा साइड में खसका के अपने आप में बड़ा कर लिया। एक्सटर्नली हम उसके अंदर चीजें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ कैसी हो रही है, इंटरनल हो रही है। ओके, तो देखो हमने फंडामेंटल डिस्कशन किया है, मैंने पहले भी कहा था आज की क्लास के अंदर हम बहुत स्ट्रेस नहीं लेने वाले, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें, और जिनके पास एनसीईआरटी है तो उनके अंदर आप देखना हमने page 1 और page 2 का पैरा जहां पर ग्रोथ के बारे में दे रखा है उतना हमने डिस्कशन किया है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने टॉपिक नहीं लिया, हमने 11 टेक्स्ट बुक का टॉपिक लिया है, हल्के हल्के चीजों को लेकर चल रहे हैं। कल की क्लास में हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है हमारे पास में मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना लेक्चर, और इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है अब ऑब्वियसली उसी समय अभी लाइव क्लास के अंदर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इसके बाद भी मैसेज कर सकते हो, आपको इसके नोट्स भी PDF फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, चलो इतना नोट करो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं 2 मिनट के लिए वेट कर रहा हूं।